नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑडी, और हम ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस पार्ट 3 में। इससे पहले मैंने दो पार्ट इसके बनाए हुए हैं, दोनों में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर से देखिए और मुझे लिख भेजिए कि आप क्या समझ पाए, और आप अपनी प्रॉब्लम्स डाउट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखा करें। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स के लिए, 9685698056। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया होगा कि एग्जाम्पलर में भी है और 2016 में आया हुआ है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन टी, लेट दिस बी नंबर 1। एक्स इज इक्वल वाई इक्वल टू साइन पी टी नंबर 2। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा इससे, डी एक्स बाई डी टी होगा कॉस टी डी वाई बाई डी टी पी कॉस पी टी। अब हमें निकालना है डी टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, लिंक बना के चलेंगे, और हमें लिंक बना के चलने में कोई रोक नहीं सकता और बड़े आराम से हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पी कॉस पी टी, आप इसका सल्यूशन इस तरह से लिखें कि कोई लेमैन भी इसे देखना चाहे तो उसे भी आराम से इस बात आपकी बात समझ में आ जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है, ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है, डी एक्स बाई डी टी डी, तो आपने नंबर देना चाहें तो नंबर दे दें 1 एंड 2। तो ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ इट्स सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसको नंबर नहीं दिया तो इसको नंबर 3 दे सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 से लिख दीजिए, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। फिर वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि ये डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, फंक्शन टी का है, तो आप इसे कैसा लिखेंगे, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, डी डी टी ऑफ पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, डी टी से डिवाइड डी टी से मल्टीप्लाई अपॉन में क्या लिख दें डी एक्स। अगर कोई चीज़ आपको आती हो तो आप थोड़ा आगे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और अपना समय बचा सकेंगे, और नहीं आती है तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ये कॉस टी का हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डिनोमिनेटर स्क्वायर, कॉस टी कॉन्स्टेंट, डी डी टी ऑफ व्हाट, डी डी टी ऑफ कॉस पी टी माइनस कॉस पी टी कॉन्स्टेंट डी डी टी ऑफ कॉस टी ब्रैकेट क्लोज इन टू डी टी बाय डी एक्स। तो चाहें तो आप डी टी बाय डी एक्स का वैल्यू ले लें, डी टी बाय डी एक्स का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है कॉस टी डी एक्स बाय डी टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टी। अब जिसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी कॉस टी कॉस पी टी का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी, और पी टी पी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी पी इंटू 1, तो ये हो जाएगा पी माइनस कॉस पी टी कॉन्स्टेंट, और कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी होल अपॉन, अब आप ये कॉस स्क्वायर टी कॉस टी को मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स कॉस क्यूब टी, ये आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ज़्यादा आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत है वो देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे यहाँ हम करते हैं, ये देखिए ये आपका आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, देखिए ध्यान से बहुत आराम से, p
पी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए पी इंटू पी पी स्क्वायर माइन, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी, ये इसका मल्टीप्लीकेशन, और ये पी इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पी कॉस पी टी इंटू साइन टी और होल अपॉन कॉस क्यूब टी, ये आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं हम दोस्तों, तो अब हमें प्रूव करना है तो ले इसको नंबर दे देते हैं, लेट दिस बी नंबर फोर। अब हमें जो प्रूव करना है वो देख लेते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो नाउ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे लिखता हूँ ठीक है, तो इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो वन माइनस एक्स की वैल्यू आप पीछे जाके देखिए क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर टी, सबको हमको टी में लाना है तो कैलकुलेशन हमारे आसान होंगे, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी प्लस पी कॉस पी टी साइन टी होल अपॉन हो जाएगा आपका कॉस क्यूब टी माइनस एक्स, एक्स देख लीजिए आप क्या है, एक्स है आपका साइन टी, फिर क्या है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स है आपका पी कॉस पी टी, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी प्लस प्लस क्या आपके पास पी स्क्वायर वाई, वाई का भी वैल्यू दे दें, वाई का वैल्यू कितना है साइन पी टी, थोड़ा दिखने में और टी पी टी ये चलता है तो कन्फ्यूज़न लगता है, बाकी ये क्वेश्चन का सल्यूशन आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, थोड़ा सा हमने केयरफुल रहना है बस, ये सारी वैल्यूज रख दी मेरे दोस्तों। अब हमें इक्वल टू ध्यान से देखिए, इसको सेवन माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर टी माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी प्लस, बहुत आसान है, बहुत आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि अब कैसे करेंगे सर, अब क्या लिखने वाले हैं, कॉस क्यूब टी को आप ऐसा लिख दें कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो ये कॉस स्क्वायर टी से आपका कॉस स्क्वायर टी कैंसिल हो गया, माइनस साइन टी पी कॉस पी टी, तो अब आप चाहें तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो अच्छा भी लिख सकते हैं हम, कैसे अच्छा लिख सकते हैं इसको, तो ऐसा लिख दें हम माइनस पी कॉस पी टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस टी, ये पी टी है और ये केवल कॉस टी तो कैंसिल नहीं होगा, और प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। अब इसे क्या करेंगे हम, इसे दोस्तों सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करते देखिए माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, तो ये कॉस टी से मैंने कॉस टी को कैंसिल कर दिया, प्लस पी कॉस पी टी साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस पी कॉस पी टी साइन टी अपॉन कॉस टी, ये ब्रैकेट नहीं में लिख, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बुक में भी ब्रैकेट में नहीं है, तो प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी, अब कौन किससे कैंसिल होने को तैयार है देखो, तो आप तो केवल मार्क कर दो, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और एरो का देखो इंक्लिनेशन भी ऐसा है जो जिससे कैंसिल हुआ, और ये माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी किससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो ये आ गया इक्वल टू जीरो, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। आपने देखा कितना आसान है, और तरीके से बस करना है, सिस्टमेटिकली करते जाए, स्टेप्स स्किप ना करें, जल्दबाजी भी ना करें, आपका टाइम पे क्वेश्चन ख़त्म होगा और प्रेजेंटेशन एक नंबर, ताकि आपके टीचर्स भी पसंद करेंगे, जो आपके एग्जामिनर्स होंगे एग्ज़ाम में वो भी बहुत पसंद करेंगे,
और आपकी कॉपी कभी चाहेंगे तो मॉडल कॉपी भी बन सकती है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बार बार कहता हूँ, वो स्टूडेंट्स जिनकी आप इनडायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली मदद नहीं कर पाते, पर इनडायरेक्टली आप उनकी मदद कर सकते हैं इसे शेयर करके, ताकि वो भी देखें और वो भी समझें और उनको इस प्रकार के सवाल समझने में मदद मिले, जो कि थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चन से, और बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि हर बच्चा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट।